बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मिल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। प्रसार भारती आर्काइव से ली गई ये आवाज आजादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान देने वाले उस करिश्माई संगठनकर्ता और ओजस्वी वक्ता की है जिन्हें उनकी लोकप्रियता के कारण कार्यकर्ता और आम जनता नेताजी कहने लगे थे, सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार, ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद सबसे गंभीर, नियोजित और प्रभावी सशस्त्र संघर्ष जो किया गया था वो आजाद हिंद फौज ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कैसे इसका नेतृत्व किया, आगे बात करेंगे। पहले बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ और जरूरी बातें। 23 जनवरी 1897 को एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस के पिता वकील थे और उन्हें ICS बनाना चाहते थे। बोस पढ़ाई लिखाई में बेहद परिश्रमी थे। पिता की इच्छा पूरी हुई, सुभाष चंद्र बोस ICS बन गए, लेकिन गहरे राष्ट्रवादी रुझान के कारण उन्होंने साल 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड से लौटे तो महात्मा गांधी से मुलाकात की। गांधी के प्रति आदर था, लेकिन वो क्रांतिकारियों से जुड़े नेता चितरंजन दास से अधिक प्रभावित थे। इसके बाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में बोस ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के खिलाफ कलकत्ता में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए स्वराज पार्टी की राजनीति में मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण का समर्थन किया था। साल 1924 में उन पर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने के आरोप लगे और 4 साल के लिए उन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। साल 1926 में उन्होंने जेल में ही कैदियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ लंबी भूख हड़ताल की और जेल के अधिकारियों से अपनी कई मांगे मनवाई। इन सब के बीच धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भीतर वामपंथी झुकाव वाले धड़ी की आवाज बनते चले गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ वो कांग्रेस के युवा चेहरे की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी से उनके कई मामलों पर मतभेद रहते थे। उन्होंने गांधी इरविन समझौते की भी आलोचना की। वो कौन से बिंदु थे जिन पर गांधी सुभाष में मतभेद रहे, ध्येय IAS में इतिहास विषय के अध्यापक विजय वेद बताते हैं। अनेक मामलों में दोनों के दृष्टिकोण में अंतर आप देख सकते हैं। पहला, आप देख सकते हैं कि तात्कालिक राजनीतिक यथार्थ को दोनों ने अलग अलग ढंग से देखा। गांधी जी के लिए जन आंदोलन की रणनीति सतत संघर्ष की रणनीति न होकर संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस सतत संघर्ष करते हुए क्रांति के पक्षधर थे। दूसरा, देख सकते हैं कि दोनों में साध्य और साधन को लेकर के अंतर था। गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे, जबकि सुभाष के लिए साध्य मुख्य था, साधन उतना मुख्य नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने फांसीवादी शक्तियों से भी सहारा लेकर साम्राज्यवाद के विरोध के लिए अपना पक्ष रखा। तीसरा, आप देख सकते हैं कि गांधी हमेशा सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित आंदोलन चलाने के पक्षधर थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस के लिए सशस्त्र संघर्ष और हिंसा भी तात्कालिक राजनीतिक परिवेश में बुरा नहीं मानते थे। इसके अलावा अगर देखें तो गांधी जी हमेशा किसानों, मजदूरों, आम भारतीयों को एक साथ लामबंद करके और साम्राज्यवाद के विरोध के पक्षधर थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस बाहरी शक्ति का भी सहयोग लेने के पक्षधर थे। उन्होंने जापान से, जर्मनी से, दोनों से समर्थन लिया। गांधी ने केवल अपनी शक्ति पर ही मुख्य रूप से विरोध करने की रणनीति अपनाई। दोनों में अंतिम रूप से एक हम आर्थिक विचारों में भी अंतर देख सकते हैं। गांधी मुख्य रूप से कुटीर और ग्रामीण उद्योग के प्रशंसक थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस देखेंगे औद्योगिकरण, मशीनीकरण के पक्षधर थे। साल 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो उन्होंने पार्टी के भीतर स्वतंत्र भारत में
नियोजित आर्थिक विकास यानी प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्री इंडिया पर चर्चा करने का काम किया। अगले साल 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होना था। कांग्रेस के वामपंथी झुकाव वाले धड़े ने सुभाष चंद्र बोस को अपना उम्मीदवार बनाया। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में थे, जो कांग्रेस के एक अन्य धड़े को भी पसंद थे, लेकिन बोस विजयी रहे। इस पराजय को गांधी जी ने अपनी निजी हार के रूप में स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस का त्रिपुरी संकट अभी शुरू होना था। इसी त्रिपुरी अधिवेशन में जीबी पंत ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छाओं के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं। प्रस्ताव स्वीकार किया गया, लेकिन गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को अपनी मर्जी से कार्य समिति बनाने के लिए कहा। अब सुभाष चंद्र बोस द्वंद्व में फंस चुके थे। नेहरू ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला और अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर काम करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद बंगाल में एक प्रोटेस्ट के दौरान बोस की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कहते हैं कि जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक कहीं गायब हो गए। पता चला कि वो कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचे और फिर वहां से मार्च में बर्लिन। बोस ब्रिटेन विरोधी दृष्टिकोण से हर उस ताकत का साथ लेने के लिए राजी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। जर्मन में उन्होंने फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की। साल 1943 में बोस एक पनडुब्बी में बैठकर जापान पहुंचे। जापान का उन्हें समर्थन मिला और फिर वहां से वो निकले सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, जो ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। आखिर आजाद हिंद फौज का भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा? विजय वेद। वैसे तो INA का गठन रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह पहले कर चुके थे, लेकिन जुलाई 1943 में सुभाष बाबू ने जो उसको नया रूप दिया, पुनर्गठन दिया, वह विशेष मायने रखता है। सुभाष बाबू ने इसको अनेक रेजिमेंट में बांटा। गांधी, सुभाष, नेहरू, लक्ष्मीबाई के नाम से नया रेजिमेंट बनाया गया। समानांतर सरकार स्थापित किया उन्होंने भारतीयों के नाम पर, जिसे जर्मनी और जापान ने तत्कालिक अपनी सहमति दी। इसके बाद उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया में घूम घूम कर चंदा वसूल किया, सैन्य भर्ती किया और बहुत ही कम समय में अंग्रेजों की शक्ति जो इतनी मजबूत थी उसके खिलाफ ला खड़ा किया INA को। उन्होंने जो उद्वेग और नारे दिए, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन नारों ने विशेष लहर पैदा की। उन्होंने गांधी जी से भी आशीर्वाद लिया और आज़ादी की लड़ाई में उनका यह नेतृत्व विशेष मायने रखता है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजों ने जो ढांचे बनाए थे भारत में, पुलिस, सेना, ICS अधिकारियों का ढांचा, वह सुभाष के इस लहर से, राष्ट्रवाद से प्रभावित हो गया। भारत जब आज़ाद हो गया, इटली ने इस बात को कहा था कि अंतिम दिनों में सुभाष के नेतृत्व ने और कारनामों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विशेष रूप में चिंता में डाल दिया था। विजय वेद अभी समानांतर सरकारों की बात कर रहे थे, तो जापान की सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिए थे। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। आजाद हिंद फौज ने मणिपुर की तरफ से ब्रिटिश भारत पर हमला किया और बहादुरी से लड़ते हुए इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा लहरा दिया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही आजाद हिंद फौज के कुछ सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। बोस जापान के लिए निकले, लेकिन इससे आगे की बातों पर एक मत नहीं है। ज्यादा स्वीकृति इस बात की है कि एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को उनका निधन हो गया। हालांकि इस बात को न मानने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जिस तरह के जुझारू नेता थे, जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया और अपनी बहादुरी दिखाई, उसका प्रभाव लोगों पर आज भी बहुत गहरा है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। सभी पॉडकास्ट के PDF पॉडकास्ट पब्लिश होने के एक दिन बाद
आप ध्येय IAS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।